दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 28 फरवरी 2024। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि जनविश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं पर मौके निकाल कर हमला कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव को नीतीश के नाम का लोकेट गले में लटका कर चलने की सलाह दी है। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव घोटालों के लिए जाने जाते हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाने की भूल नहीं करते तो इन्हें सरकार में आने का मौका इन्हें कभी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट और भ्रष्टाचार हो वो क्या बात करेगा। लालू जी का बेटा होने के कारण तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में आए। घोटाले से ही उनके ख्याप आती है। 5 विभागों के मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कितना काम किया ये बिहार की जनता को बताना चाहिए। नीतीश कुमार ने भूल कर दी, लालू और तेजस्वी का भाग्य जग गया और उनका वनवास टूट गया, नहीं तो इनका कहीं अता पता नहीं होता। ये लोग नीतीश कुमार के नाम का लोकेट लटका कर घूमे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले जनविश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताया, कहा कि इनका काम में मन नहीं लगता है, राज्य की जनता भी उनसे परेशान है, इनकी पार्टी के नेता सहयोगी भी अब थक चुके हैं, राज्य के पदाधिकारी भी खुश नहीं रहते, नीतीश कुमार से बिहार संभाला नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में यहाँ तक कह दिया कि चाचा के पास ना विजन है ना ही रीजन है। दोस्तों जहां अन्य राज्यों की परीक्षा वर्तमान में चल रही है वहीं बिहार की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। बीते कई सालों से बिहार बोर्ड की परीक्षा अन्य राज्यों की तुलना में जल्दी शुरू और समाप्त हो जाती है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो जाने के बाद अब छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। परीक्षा परिणाम जल्द ही BSEB की आधिकारिक वेबसाइट बिहार online.bihar.government.in पर जारी होने की उम्मीद है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो परिणाम से जुड़ी किसी भी फर्जी खबर पर भरोसा न करें। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे। इस साल बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब सभी उम्मीदवार अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अभी 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद है कि कक्षा 10वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। दोस्तों बालू घाटों से निर्गत ई बालू चालान में ठेकेदारों के स्तर पर की जा रही गड़बड़ और एक ही चालान की फोटोकॉपी कराकर उसका उपयोग करने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव आमिर सुबानी के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि चालू घाट से जारी होने वाले ई चालान विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए वाटर मार्क पेपर ही जारी होंगे। विभाग अपने स्तर पर जिलों को ये पेपर मुहैया कराएगा। नई व्यवस्था को 1 अप्रैल 2024 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यकलाप की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी जिसमें विभाग की ओर से उन्हें जानकारी दी गई कि बालू ठेकेदार एक ही चालान की फोटोकॉपी कर फर्जी तरीके से बालू लदे वाहनों को घाट से पार करा रहे हैं जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग द्वारा पूर्व में दी गई पहल की जानकारी भी मुख्य सचिव को दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव रवि परमार ने उन्हें बताया कि प्रत्येक खान निरीक्षकों को 5 परियोजनाओं की जांच कर दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने इस पहल की सराहना की, साथ ही कहा कि 1 अप्रैल से विभाग वाटर मार्क पेपर पर ही चालान निर्गत करने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि वाटर मार्क पेपर विभाग की ओर से जिला खनन कार्यालय को मुहैया कराया जाएगा। इस पेपर पर ही बालू के परिवहन के लिए ई चालान निर्गत होगा। मुख्य सचिव सुबारी ने बैठक में कहा कि ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभावी कर दी जाएगी जिसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार की राजनीति के लिए अगला सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले बिहार को अरबों रुपए की योजनाओं का उपहार मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। तीनों दिग्गजों की
बिहार यात्रा से संबंधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। संभव है कि प्रधानमंत्री बिहार की वर्षों से लंबित कई मांगों को पूरा करने की घोषणा करें। घोषणाएं अरबों रुपए की योजनाओं से संबंधित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। इससे साफ है कि चुनावी माहौल बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार तमाम जतन कर रही है। इधर सत्ता पक्ष की इस तेजी को भांप कर विपक्ष की भी सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा है कि प्रधानमंत्री सप्ताह भर के अंदर बिहार को 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का उपहार देंगे। इस राशि से आधारभूत संरचना संबंधित क्षेत्र को दिया जाएगा रोजगार सृजन की पहल होगी। दोस्तों शहरों में रहने वाले लोग पैकेट वाले आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैकेट वाले आटे से बनी रोटियां खाने से सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे मोटापा और डायबिटीज जैसी कई गंभीरता बीमारियां पैदा होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरह के आटे खाने चाहिए तो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। मेट्रो सिटीज में रहने वाले पैकेट वाले आटे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल गाँव में रहने वाले लोगों से इतनी ज्यादा अलग होती है कि उनके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस रोटी को आप अच्छे से खाते हैं वो आपको धीरे धीरे बीमार बना सकती है। कई हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि आप किस तरह का पिसा हुआ अनाज खाते हैं उसका सीधा असर आपका सेहत पर पड़ता है। मार्केट में मिलने वाले आटे में कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो अनाज में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को पूरी तरह खत्म कर देता है। मार्केट में मिलने वाले आटे को इतना महीन तरीके से पीसा जाता है कि इसके सारे पोषक तत्वों को खत्म कर देते हैं। इस आटे में फाइबर एकदम ना के बराबर होते हैं। ऐसे में पैकेट वाले रोटी को पचाना बेहद मुश्किल होता है। आटा सफेद और अच्छा दिखे इसके लिए उसमें खराब क्वालिटी के चावल के आटे मिलाए जाते हैं। आटे जल्दी खराब ना हो इसलिए इसमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। पैकेट बंद आटा खाने से डायबिटीज, मोटापा और पाचन संबंधी दिक्कतें पैदा होती है। यह स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है तो आटा बदल बदल कर खाना चाहिए। आप इसके बदले मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैकेट बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपको चक्की में पिसा हुआ आटा मिल जाए तो और अच्छी बात है। जिसे आटे में चोकर ज्यादा होता है वह पेट और पाचन दोनों के लिए काफी अच्छा होता है। फाइबर युक्त आटा खाने से मोटापा कंट्रोल में रहता है। गेहूं के आटे में मक्का, ज्वार, रागी, सोयाबीन और चना मिक्स करके पिसवा ले, ये पेट के लिए एकदम बेस्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हल्की से मध्य बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं दक्षिण भारत के कई शहरों में बादल बरस सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के 7 जिलों में आज से बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आइए जानते हैं कौन से राज्य में मौसम का सबसे ज्यादा मार झेले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार की सुबह कभी धूप तो कभी आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 26 से 27 फरवरी को यूपी की राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न जिलों में हल्की से मध्य बारिश की आशंका जताई है। वहीं बिहार के जमुई जिले के चकई, झाझा, सोनूस, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर और नवादा जिले के रजौली और नवादा में के बांका जिला के बोसी, चंदन, धौरिया और कटोरिया में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद राज्य में शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शराब तस्करों पर कार्रवाई को लेकर आए दिन उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कटिहार में उत्पाद विभाग की टीम ने 600 बियर के कैन, 120 विदेशी शराब के बोतल बरामद किया है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक पिकअप वाहन को भी उत्पाद विभाग ने जब्त कर लिया है। प्राणपुर थाना क्षेत्र के जूनिया गांव के पास हुए उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बंगाल के मालदा जिला से शराब के इस खेप को सब्जी से लदा हुआ पिकअप वाहन में लाया जा रहा था। मेरी जानकारी के मुताबिक इस खेप को सहरसा पहुंचाया जाना था, जिसे उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त कर लिया है। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दस्तक और होली को लेकर आगे भी अभियान जारी होगी।
दोस्तों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री आते और जुमला फेंककर चले जाते वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी नहीं करते बल्कि जुमलेबाजों को जवाब देते हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि राजद ने जिस कांग्रेस के पल्लू में अपना मुंह छुपा रखा है, 10 साल यूपीए का शासन पेट्रोल, मुझे लगता है लालू जी भी उसमें भागीदारी रहे। मुंगेर का पुल अधूरा का अधूरा ही रहा, अटल जी के समय से ही पड़ा रहा, ये जुमलेबाजों का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में इनके पैदाइश से पहले ही पेट्रोल केमिकल्स की घोषणा राजीव गांधी करके गए थे। 2 चुनाव जुमलेबाजों ने चलाया लेकिन उसके बावजूद नहीं खुला, लेकिन आज नरेंद्र मोदी द्वारा वहां पर पैसे देकर पेट्रोल केमिकल्स की स्थापना की जा रही है और यहाँ बिहार सरकार को टैक्स भी दिया जा रहा है। पीएम मोदी जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जुमलेबाजों को जवाब देते हैं। बता दें कि बेगूसराय में 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित समारोह है। वहीं इसको लेकर बेगूसराय के सांसद सह केंद्र गिरिराज सिंह, विधायक कुंदन कुमार और डीएम एसपी के साथ उलाओ हवाई अड्डा स्थल का जायजा लिया और तैयारी के संबंध में बातचीत की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 मार्च का संभावित कार्यक्रम है, उम्मीद है कि जो भी होना होगा आज शाम तक हो जाएगा। दोस्तों भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अचानक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। खेसारी लाल यादव के साथ राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह, सुधांशु रंजन पांडे और राम बाबू राय भी मौजूद थे। चर्चा है कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेताओं के साथ खेसारी की इस तस्वीर के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। खेसारी लाल यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। दरअसल खेसारी लाल यादव महाराजगंज लोकसभा इलाके के रहने वाले हैं। इस सीट पर राजपूत और भूमिहार वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं सारण सीट पर यादव वोटर किसी भी प्रत्याशी की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ यादवों की संख्या अच्छी खासी है, ऐसे में खेसारी लाल यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि खेसारी लाल यादव या उनके मैनेजर की और से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इधर सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव के फैंस भी पूछ रहे हैं कि वो किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 3 मार्च को गांधी मैदान में आयोजित महागठबंधन के दलों की महारैली की तैयारी को लेकर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी खेसारी लाल नजर आ सकते हैं। दोस्तों बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा शुरू कर दी है, जो 6 मार्च तक राज्य के 9 जिलों में स्थित 52 कंप्यूटर केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। सक्षमता परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में किया गया है। परीक्षा में शामिल सुनीता कुमारी ने बताया कि शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा काफी अच्छी रही, प्रश्न कठिन नहीं थे लेकिन उन्हें आसान भी नहीं कहा जा सकता। वहीं हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये मामूली परीक्षा है लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षा में स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में शामिल एक शिक्षिका रश्मिका कुमारी ने कहा कि परीक्षा मामूली नहीं थी, अब परीक्षा में जो लिखा है वो रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा। प्रश्न घुमा फिरा कर मुश्किल पूछे गए थे, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है। वहीं परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर अब भगवान के नाम लेकर सब टिक कर दिए हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, पास भी हो पाएंगे या नहीं। दोस्तों मुजफ्फरपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए जिले में हर जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, किंतु चोरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले कोई न कोई तरकीब निकाल रहे हैं। ऐसे ही 5 मामले झपहा सेक्शन में पकड़े गए हैं। संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाते हुए अहियापुर, हथौड़ी सहित अन्य थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झपहा जयी राम शंकर सिंह के नेतृत्व में रामपुर जयपाल पंचायत के विष्णुपुर गाँव में गुप्त सूचना के आधार पर मानव बल के साथ छापेमारी की गयी। राम सकल राय के घर में लगे स्मार्ट मीटर को रिचार्ज नहीं कराया और सर्विस वायर में कटिंग कर बाईपास चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था, इसको लेकर जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उधर हथौड़ी थाना के हथौड़ी गांव में विकास गुप्ता के यहां बिना कनेक्शन तार जोड़कर बिजली का उपयोग करते पकड़ा गया है, इस पर 12,000 से अधिक जुर्माना लगाया गया है। हथौड़ी में दूसरा मामला बर्ज किशोर शाह के यहां पकड़ में आया है। फर्नीचर दुकान में बिना मीटर लगा
लगाई बिजली जला रही थी उस पर 22,000 से अधिक जुर्माना लगाया गया है। उसी गांव में मोहम्मद अंसार के यहां छापेमारी की गई, वहां भी बिजली चोरी करते पकड़ा गया है, उस पर 12,000 से अधिक जुर्माना लगाया गया है। उक्त थाना क्षेत्र के सिमरी पकीरा गाँव में लाल बाबू सहनी के यहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई, उस पर 19,000 से अधिक जुर्माना लगाते हुए संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेगूसराय में एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने अशांति फैलाने की कोशिश की। असामाजिक तत्वों ने एक निजी विद्यालय में टंगे गए ओम लिखे भगवा झंडे को जला दिया। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। पूरा मामला मंसूर अचक थाना क्षेत्र के फाटक चैक के समीप एक निजी विद्यालय की है। हालांकि इस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा झंडा उतारा गया और फिर उसमें आग लगाई थी। घटना के बाद बेगूसराय के एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन ने आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंसूर अचक की घटना कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि एक पक्ष के द्वारा भगवा झंडा को जला दिया जाता है। यह घटना साधारण घटना नहीं है। इससे पहले भी राजौरा में खतोपुर और बलिया में घटना हुई थी, असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि बेगूसराय में सामाजिक समरसता को तोड़ने का साजिश वर्षों से चल रही है। खतोपुर की घटना, मंदिर को तोड़ा गया, बलिया में विसर्जन जुलूस पर पत्थरों से प्रहार किया गया, मंसूर अचक में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन से मैंने कहा कि केवल वो भगवा ध्वज नहीं जला नहीं है, वहाँ हमारे सनातन पर हमला हुआ है। अभी पूरे बिहार से लोग आते और राजनीतिक टूरिज्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि गिरिराज सिंह जैसे लोग आग लगाने का काम करते हैं। मैं विनती कर रहा हूं कि सभी लोग आपसी भाईचारा के साथ रहें। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के IGIMS में हुए बवाल का मामला विधानसभा तक पहुंच गया है। RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने CM नीतीश कुमार और BJP पर निशाना साधा है। विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे RJD के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि IGIMS में जिस तरह से हथियार लगाए जा रहे हैं, क्या ये मंगल राज है? अभी तो ये शुरुआत है। अगर BJP की पूरी सरकार आ गई तो बिहार में क्या होगा, भगवान ही जाने। ये लोग घर में घुसकर मारेंगे। आज डॉक्टर और नर्स असुरक्षित में, सदन में मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। यह सरकार का शासन है, कुशासन है या फिर महाजंगल राज है, BJP को बताना चाहिए। बताते चले कि पटना के IGIMS में रात से ही बवाल जारी है। आरा की एक महिला मरीज को लेकर बवाल मचा है। मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर तांडव मचाया है, जिसके विरोध में डॉक्टर ने अस्पताल के PD को बंद कर दिया। इस वजह से अस्पताल में इलाज ठप हो गया है। इसके बाद मरीज के नाराज परिजनों ने IGIMS के सामने सड़क जाम कर दिया। IGIMS के गेट के ठीक सामने सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया। सूचना के बाद आनन फानन में शास्त्री नगर थाने की पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर जाम हटवाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार और घुसखोरी का आरोप लगाया है, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी के द्वारा तेजस्वी पर लगाए गए आरोपों को JDU और BJP ने भी सही ठहराया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड JDU प्रवक्ता अभिषेक ने कहा कि जब जब RJD सत्ता में आती है, तब तब ये लोग अनैतिक कार्य में लगे रहते हैं। चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो, चाहे वो अन्य मामला हो, समय समय पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तमाम मामलों की जानकारी मिलती रहती है और ऐसे में तत्काल प्रभाव से बिहार के मुख्यमंत्री लगातार उस पर एक्शन लेते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में RJD कोटे के मंत्रियों और विधायकों के चेहरे पर इस बात की खींच साफ तौर पर देखी जा सकती है और जीतन राम मांझी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते यदि ये कोई ये सोचता है कि वो इस तरह के अनैतिक कार्य करे तो ये संभव नहीं है। मांझी ने सही कहा है कि 50-50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी साफ कहा है कि जीतन राम मांझी ने सही कहा है कि 50-50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बिहार के अंदर की बात जानते हैं। दोस्तों,
लैंड फॉर जॉब और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव परिवार के करीबी नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मंगलवार की सुबह भोजपुर जिले के अगियाव में संदेश की राजद विधायक किरण देवी के आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। विधायक और उनके पूर्व विधायक पति अरुण यादव दोनों आवास पर मौजूद नहीं है। ये छापेमारी गरहनी थाना के अगियाव स्थित आवास पर हुई है। छापेमारी के दौरान आवास के बाहर केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। विधायक किरण देवी के पति अरुण यादव भी संदेश से विधायक रह चुके हैं और लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। जनवरी में किरण देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और नोटिस थमाया था कि ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छानबीन करने के लिए दिल्ली और पटना की टीम किरण देवी के आवास पर पहुंची है। बताते चले कि किरण देवी पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी है और लालू राबड़ी परिवार की बेहद करीबी बताई जाती है। इससे पहले भी सीबीआई की टीम किरण देवी और अरुण यादव के विभिन्न ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है और आज एक बार फिर ईडी की 10 सदस्य टीम भारी संख्या में आरपीएफ बल के साथ छापेमारी करने पहुंची है। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमेशा शराबबंदी का विरोध करते रहे हैं। जीतन राम मांझी सत्ता पक्ष में रहे या फिर विपक्ष में शराबबंदी का विरोध करते रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से सबसे अधिक हानि गरीब तबके के लोगों को ही रही है। इसी कड़ी में आज फिर उन्होंने शराबबंदी को लेकर तंज कसा है। हालांकि गम के माहौल में भी जीतन राम मांझी सियासत करते रहे हैं। गजल गायक पद्मश्री पंकज उदास के निधन के बाद अपने अंदाज में श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बड़ी महंगी हुई है शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। जैसे नज्म को अपने आवाज के जादू से बिखेरने वाले महान संगीतकार पंकज उदास जी के निधन की सूचना से आहत हूँ। इस मृत्यु में आप सदैव अमर रहेंगे, विनम्र श्रद्धांजलि। हालांकि अपने जीवन काल में पंकज उदास ने कई कर्णप्रिय गजल गाए हैं, जिसमें नाम फिल्म में गाए चिट्ठी आई है से उन्हें खासी लोकप्रियता मिली थी। इसके बावजूद जीतन राम मांझी ने गाने का उदाहरण देकर सियासी खेल खेलने की कोशिश जरूर की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल पर पंकज उदास के साथ अपने फोटो को साझा करते हुए लिखा है कि हम पंकज उदास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह के भावनाओं को व्यक्त करती थी और जिनकी गजलें सीधे आत्मा को बात करती थी। वो भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनके धुने पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुझे पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ हुई बातें याद हैं। उनके जाने से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया, जिसे कभी नहीं भरा जा सके। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना शांति। दोस्तों, तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा के क्रम में सोमवार को सुपौल के रास्ते अररिया पहुंचे। अररिया जिले की सीमा में भरगामा प्रखंड के खजूरी पंचायत स्थित जेबीसी नहर के समीप दो बजे 45 मिनट में कार्यकर्ताओं से उनका स्वागत किया गया। 2:45 में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला जेबीसी चौक, खजूरी गणेश चौक, सुकेल मोर, रानीगंज के रेशमाला चौक, काली मंदिर, रामपुर, हासा, गितवास, खरखट, रजोखर होते हुए रानीगंज बस स्टैंड 5 बजे पहुंचा, जहां उन्होंने दूसरी गाड़ी में लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद काफिला संध्या 5:20 में 0 माइल पहुंचा, जहां से जो कि हट होते हुए किशनगंज के लिए निकल पड़े। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद थे। जो कि हाट हाई स्कूल चौक पर पूर्व मंत्री सह विधायक शाहनवाज आलम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। जो कि हाट में भारी भीड़ को देखते हुए काफिला रुका और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पलटू चाचा पलट गए, लेकिन आपका साथ रहेगा तो सरकार हिल जाएगी। भाजपा से मेरे पिता लालू प्रसाद यादव कभी नहीं डरे, मैं भी उनका ही बेटा हूँ। मैं भाजपा की ईडी सीबीआई जैसे तोतों से डरने वाला नहीं हूँ। कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए तेजस्वी यादव ने हाथ हिलाकर लोगों का आभार प्रकट किया और विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, अब पुश्तैनी जमीन नहीं बेची जा सकेगी। इसके लिए भू स्वामियों को अपने नाम से जमाबंदी कायम करानी होगी। इस नियम के पूरे प्रदेश में प्रभावी होने के साथ उस प्रकार के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, जिनकी भूमि तो उनके कब्जे में है पर जमाबंदी पूर्वजों के नाम से चल रही है। पूर्व में LPC भी आसानी से बन जाता था, साथ ही भूमि का निबंधन भी धड़ल्ले से हो जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था में भू माफिया किसी की जमीन को आसानी से बेच रहे थे। यही नहीं, परिवार के दूसरे सदस्य भी भूमि
भूमि बेच देते थे, जिस कारण भूमि संबंधी विवाद होता रहता था। अब नई व्यवस्था के तहत भू स्वामियों को तय करना होगा कि उनकी भूमि तो जमाबंदी भी उनके नाम से कायम हो। अंचल कार्यालय में पूर्व से ये व्यवस्था कायम है कि आपसी सहमति के आधार पर जमाबंदी को अलग कराने की व्यवस्था है। अगर भू स्वामियों को पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम है तो उसे अपने नाम से कराने के लिए आपसी सहमति से बंटवारा करना होगा। इसमें भूमि के विवरण के साथ सबकी सहमति से अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा। अंचल कार्यालय इसकी जांच कर नया जमाबंदी को कायम करेगा। यह प्रक्रिया पूर्व से है, पर लोग लापरवाह बने थे, जिस कारण अभी भी 50-60% लोग की भूमि की जमाबंदी पूर्वजों के नाम पर ही चल रही है। नए नियम के प्रभावी होने के बाद अब इस प्रकार के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, वे अंचल कार्यालयों में चक्कर लगाने लगे हैं। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर 2-4 मार्च के बीच बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 29 फरवरी को पश्चिमी हिमालय में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसका प्रभाव 1 मार्च से बिहार के पश्चिमी हिस्से में बादल के तौर पर देखने को मिल सकता है। वही 2-4 मार्च के बीच राजधानी सहित पूरे बिहार में इसका प्रभाव होगा। इस कारण ज्यादातर शहरों में हल्के से मध्य स्तर की बारिश के आसार बन रहे हैं। वही आज यानी मंगलवार को कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर के 1-2 पर हल्की बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार की शाम से आसमान साफ होने के आसार है। इस कारण धूप में तेजी आएगी। इस कारण अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वही शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होने के कारण पुनः अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से पटना सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए होने के कारण अधिकतम पारा में तेजी से गिरावट हुई थी। दोस्तों, बिहार में लाखों नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए साफ तौर पर कहा है कि बच्चों की अनुपस्थिति या उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जीविका दीदियां गैर सरकारी संगठन के सदस्य मात्र हैं, ऐसे में उनके स्कूलों के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल मामला वर्ष 2016 का है, जब शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर स्कूलों की जांच में जीविका दीदियों को लगा दिया था और 75% से कम छात्र की उपस्थिति पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक और शिक्षकों के वेतन से 50% तक कटौती करने का आदेश दिया था। वहीं इसके बाद परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस बारे में वंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि इसकी सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2018 को आदेश पारित करते हुए सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, और यह भी कहा कि जीविका दीदियां गैर सरकारी संगठन के सदस्य मात्र हैं, जिन्हें स्कूलों के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। ब्रजवासी ने बताया कि उसके बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले को सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर SLP को शुक्रवार 23 फरवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद से ही शिक्षा विभाग के छात्रों की कम उपस्थिति के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराए जाने वाले आदेश पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, बिहार विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यक्रम खत्म हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार सहित राबड़ी देवी की सीट भी शामिल है। इन सभी सीटों को लेकर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहीं चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। NDA के मजबूत सहयोगी रही जीतनराम मांझी के हमसे एक सदस्य को मौका मिल सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जीतनराम मांझी की पार्टी को व्हिप की एक सीट देने का समर्थन किया है। दरअसल आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने विधान परिषद हम को एक सीट देने की बात पर सवाल किया गया, जिसका समर्थन करते हुए सम्राट चौधरी ने हम को एक सीट देने की बात का सपोर्ट किया। बता दें कि विधान परिषद 11 सीटों में 4 सीटें भाजपा कोटे से चुना जाना है। अब एक सीट भाजपा हम को देती है तो उनके पास सिर्फ 3 सीट ही बचती है। वही हम की तरफ से पहले से ही पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन विधान परिषद में सदस्य है। दोस्तों,
दोस्तों चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए दावा किया कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को एनडीए में वापस इस कारण लाया गया है क्योंकि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटका देना चाहता था। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली ये नहीं है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी के नेतृत्व की कार्यशैली ये नहीं है कि जीतने वाले है तो बैठ जाओ। वही बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार को लेकर आए बीजेपी के समर्थक से निजी तौर पर सवाल करिए तो वो कहेंगे कि इसका नुकसान है। फिर महाराष्ट्र में अशोक चौहान को लेकर आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा के नजरिए से देखेंगे तो नीतीश कुमार को लाना तो बीजेपी को नुकसान है। इसके बाद भी नीतीश कुमार को इस कारण लेकर आया क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटका देना है। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटका देते हुए एनडीए में वापसी कर ली और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। वहीं फिर प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य के चुनाव को सीधा लोकसभा चुनाव से जोड़ना गलत है। साल 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बड़ा अवसर जरूर था, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, आप चुपचाप बैठ गए। 8 महीने में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 6 से 7 बैठक की। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सबसे गलत समय है। दोस्तों बिहार में जब से बीजेपी ने नीतीश सरकार के साथ सरकार बनाई है तब से बालू माफियाओं को ठिकाने लगाने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि खनन विभाग के बड़े अधिकारी ही बालू तस्करी करा रहे हैं। बालू तस्करी के केंद्र बने जमुई जिले में खनन विभाग के अधिकारियों का खेल सामने आया है। डीएम और एसपी के कारण पूरा मामला पकड़ में आया है। डीएम ने दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है, लेकिन कार्रवाई होने की संभावना कम ही दिख रही है। चर्चा ये है कि खनन पदाधिकारी एक मंत्री के करीबी है, लिहाजा उनकी करतूत पर पर्दा डाल दिया जाएगा। मामला बालू लदे और लेडिंग ट्रकों को छोड़ने का है। दरअसल जमुई जिले के मलियापुर थाना क्षेत्र में पिछले 21 जनवरी को बालू ले जा रहे ट्रकों पर छापेमारी हुई थी। सरकार की टीम ने बालू लादकर ले जा रहे ट्रकों के चालान की जांच की थी। पता चला कि 7 ट्रकों में चालान से काफी ज्यादा बालू लादा गया है। सारे ट्रकों को वहीं जब्त कर लिया गया है। इस वाक्य के बाद जिला खनन पदाधिकारी का खेल सामने आया। जमुई के जिला खनन पदाधिकारी ने ट्रकों की जब्ती के 3 दिन बाद 24 जनवरी को चालान के अनुरूप ही बालू लोड होने का सर्टिफिकेट देते हुए ट्रकों को रिलीज करने का आदेश दे दिया। जिन ट्रकों को जब्ती के समय चालान से काफी ज्यादा बालू लाद कर जाते पकड़ा गया था उसे 3 दिन में क्लीन चिट दे गई। दोस्तों भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के 2 जगहों पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे अंडरपास का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया, जिसमें अंगाड़ी गांव के पास 9 नंबर को मिली 41,000 करोड़ की सौगात और पुरैनी के पास 7 नंबर अंडरपास शामिल है। इस दौरान रेलवे अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भव्य स्वागत कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर स्टेशन के डायरेक्टर हृदय नारायण शामिल हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अंडरपास बनने से रेल और सड़क यातायात में सुगम संचालन होगा, ट्रेनों और वाहनों के लिए अलग समर्पित मार्ग एवं यात्रा समय में बचत होगा, साथ ही सुव्यवस्थित परिवहन मार्ग से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इससे पहले मध्य विद्यालय अंगाड़ी के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने टिकानी स्टेशन पर बांका इंटरसिटी और कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव मांग किया। मौके पर टिकानी स्टेशन मास्टर अरुण कुमार सिंह मुखिया, लालमती देवी, आनंदी सिंह, घनश्याम मंडल, गोपीनाथ मंडल, सखी चंद विश्वास सहित कई लोग मौजूद थे। केडीबी लाइव के लिए मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट।